तो दोस्तों, कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज YouTube पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लाइक चैनल सब्सक्राइब। सरकार ने बोला है खुले में नहीं हगना चाहिए बदोबदी, पर मेरे को तो कब्ज है बदोबदी 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 बदोबदी। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए ओए होए, बदोबदी बदोबदी। अरे गैंगस्टर टकला तो यहाँ पे हग रहा है बुड्ढा, सबको बताना पड़ेगा, पूरी खबर फैला देती हूँ। लगता है मेरी कातिलाना लुक और टकले की चमक से इम्प्रेस हो गई। तो दोस्तों, मेरी स्कूल बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, और तुम सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नई बात है। भाई वहाँ पे एक ऐसी टीचर थी जो लोगों का पाद सूंघकर ही बता देती थी कि उसने खाने में क्या खाया है। चलो बेटा एक बात बताओ, आज खाने में सैंडविच किसने खाया था? मैडम इसने यही खा रहा था सैंडविच। और ये मोमेंट उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था, हम सब उसी बच्चे को देख रहे थे। भाई ऐसे कैसे बच्चे, निकलो जाओ भाग के आओ, घर पे हफ्ते नहीं यहाँ पे आके पास के रहे थे। और भाई ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा, मतलब भाई हम घर पे कितनी भी ट्राई कर ले वहाँ पे टट्टी नहीं आने वाली, जैसे स्कूल पहुंचते वहाँ पे टट्टी आती है भाई। और ये टीचर ज्ञान भी उसी के बारे में दे रही है। तो बच्चों एक बात बताओ, तुमको ऐसा गलत नहीं लगता हम सब तुमको ही देखते रहते हैं, तुमने ही पाद मार दिया, फिर से ट्रिक्स। पाद मारने से पहले अच्छे से अंदर खींचो थोड़ा पाद, फिर धीरे धीरे छोड़ो, साइलेंसर जैसी आवाज आएगी किसी को पता ही नहीं लगेगा। ये ट्रिक काम भी करती है, किसी को पता ही नहीं चलता भाई कौन आवाज छोड़ रहा है पीछे। अगर इसके जैसे और स्वीटर वीडियो देखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वाली वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी मेरा लैपटॉप नहीं है तो मेरे को फ़ोन में एनिमेशन करना पड़ता है, और जल्दी मैं थोड़ी लंबी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा।